हेलो डियर व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 12 बेसिकली सीबीएसई साथ साथ जितने भी मेरे छोटे आप प्यारे भाई बहन हैं जिनका एग्जाम अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है और आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारा कब एग्जाम खत्म होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों शायद आप लोगों का इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आयशा की तरफ से यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो आप लोग हमेशा से चाहते थे कि काश कोई ऑर्गेनाइजेशन, काश कोई एक टीम, काश कोई हमारे लिए कुछ कर पाता तो हमारा आप जल्द से जल्द एग्जाम कैंसिल हो जाता, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो इंतजार शायद आप लोगों का खत्म हो चुका है, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत जल्द कैंसिल होने वाला है। ऐसे में ये सुनकर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इमरान भैया के पास जो वो इतना सरप्राइजली और इतना एक्साइटेड है इस चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि हर छोटी सी छोटी न्यूज़, चाहे वो सही मेरे प्यारे दोस्तों या कुछ भी हो, चाहे बैड न्यूज़ हो चाहे अच्छी न्यूज़ हो, आप तक पहुँचाना मेरा काम है। लेकिन आज कोई बैड न्यूज़ नहीं है, जो भी है आपके फेवर में न्यूज़ है, पूरा अच्छे से, ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं आयशा की तरफ से लेटर जा चुकी है, रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ ऑल एग्जाम्स इन द पेंडेमिक, नॉट ओनली मेरे प्यारे दोस्तों सीबीएसई एंड आईसीएसई, जितने भी स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और टच में रहना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इंस्टाग्राम आपका ही प्रॉपर्टी है, जरूर आ सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एनीवेज, लेकिन जो आयशा मेरे प्यारे दोस्तों, पहले ही इसका AISA दैट इज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, ये तारीख भी आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली 30 अप्रैल, ये आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, जो कि हम हमेशा से चाहते थे कि हमारी लेटर्स को पहुंचाई जाए एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास। कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ा मतलब मेरे प्यारे दोस्तों जिनके हाथ में पावर है, वो अगर इस चीज़ को फॉरवर्ड करें, वो इस चीज़ को डिमांड करें, तो हमारा एग्जाम 100% कैंसिल होगा। ऐसे में हमारी कोशिश तो हमेशा से जारी थी, हम लोग तो हमेशा से कोशिश कर रहे थे, पर आयशा के बिना पॉसिबल नहीं था, और आयशा आने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों जहां 90% की बात थी एग्जाम कैंसिलेशन, अब आप 100% पकड़ के चल सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप लेटर देख सकते हैं, अदरवाइज बहुत बच्चे हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, मेरे भाई बहन आपका बड़ा भैया के हिसाब से आप मान के चलिए। तो यहाँ पे लिखा है गया है कि जैसे कि पेंडेमिक बढ़ रहा है और जो हेल्थ सिस्टम हमारे कंट्री का पूरा खराब हो चुका है, ऑक्सीजन नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैव सफर लॉस ऑफ लाइफ हेल्थ एंड लव्ड वंस, जिनके फैमिली में से माता पिता खो दिया है स्टूडेंट्स ने, ऐसे में आप एग्जाम कैसे करा सकते हैं साथ साथ जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, और ये स्टूडेंट के बिहाफ में लिखा गया है, और मेरे प्यारे दोस्तों ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल लेटर आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, और जो कि है हमें बस इंतजार करना है, और सारे यहाँ पे लिखे गए हैं लैक ऑफ स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव लॉसेस देयर लाइफ ऑल दोस थिंग्स, उतना ज्यादा लेटर पढ़ता कौन है यार, सब तो स्केप करना चाहते हैं, शॉर्टकट चाहिए। एनीवेज मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेटर को मैं कम्युनिटी पोस्ट में छोड़ूंगा और आप जरूर पढ़ें, और इतना बता दूं कि आयशा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख कर ये लिखा है, कुछ भी ऐसे हवा में लिख के जमा नहीं किया है, बहुत ही अच्छा कुछ पॉइंट है। और देखिए वो लोग अगर नहीं मानेंगे, अगर इस चीज़ को रिप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, साथ साथ अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लाई नहीं मिलती है तो ये बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा से लेते हैं, और ये चाइल्ड राइट्स के तरफ से हो रहा है, चाइल्ड के राइट्स के लिए लड़ा गया है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को, कि इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आपके हेल्प में आए। तो और अपडेट चाहिए अगर आप लोगों को और भी अच्छी न्यूज़, तो हमारे साथ जुड़े रहे मेरे प्यारे दोस्तों हर एक अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें।